तो ये गाइस ये बर्फ का टुकड़ा बहुत ठंडा लग रहा है, मम्मी को देते हैं, देखते क्या होता है। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। खाना वाना खा लिया है, अब जा रहा हूँ कहीं, क्योंकि आज किस्त वाला आएगा ना, हमने किस्त लिया था तो किस्त का पैसे देने हैं, तो बैंक जाना पड़ेगा, तो बैंक जाके पैसे से लाते हैं। तो मानवी बर्तन धो रही है और मम्मी कपड़े। ये दीदी अभी सो के उठी, बताओ इतना लेट। महाजन देखो अभी 9 भी नहीं तक सोई हुई है। चलते हैं बैंक से लाते हैं पैसे, क्योंकि कमेटी वाला कभी भी आ सकते हैं ना, तो चलते हैं बैंक। ठीक है, तो हमारी रोज़ रॉयल ये है, चलो आज ट्यूशन नहीं गया इसी के चक्कर में। ठीक है, बैंक से पैसे कल निकाल लेता तो आज ट्यूशन चले जाता, और कल नहीं निकाल पाया, घर पे पैसे है नहीं, चलते हैं निकालते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी रोज़ रॉयल को बाहर निकालते हैं, फिर चलते हैं। फ्रेंड्स अब तो साइकिल निकाल लिए और चलते हैं फटाफट, कहीं तगड़ा धूप ना आ जाए, उससे पहले हम चलते हैं बैंक में। बैंक में जाएंगे, बैंक के आसपास में कोई दुकान है तो वहीं से पैसे निकाल लेंगे ना। और बैंक जो है वो तो 10 बजे के करीब में खुलेगा, क्योंकि अभी बज रहे हैं 9, और वो 10 बजे के करीब में खुलेगा, हमें तो पहले पैसे चाहिए। तो ये बर्तन धो रही है, सुबह काम इसका होता है और शाम का मान कुमकुम का। लिटरली धूप कितना हो चुका है यार। सो हम चल दिए हैं, तो चल दिए हम बैंक के पास में जो दुकान है वहाँ से पैसे निकालते हैं। आ गए अंकल दुकान पे, तो अपने पास पैसे आके चलते घर पे। तो घर पर आ गए और गर्मी देख सकते हैं, पसीना खूब है, पूरा धूप पड़ रहा है यार, क्योंकि फसलें लगी हुई हैं, पानी भी चल रहा है पर ठंडा ठंडा हवा आ रहा है, फिर भी धूप इतना कड़ाके की है। साइकिल का हवा भी निकला हुआ दिखाते हैं हम लोगों को। तो ये है देखिए कैसे दब रहे हैं, ये हवा निकला हुआ है, पूरा दब रहा है और चलाने में बड़ा कष्ट हो रहा था। तो चलिए उसको उस कमरे में रख देते हैं अपनी रोज रोल को। मैं तो कमेटी का पैसा भी ले आया, कमेटी वाले आएंगे उनको पैसा दे देंगे। मम्मी खाना खा रही है, मम्मी ये देखो खाना खा रही, पंखा चल रहा है, लाइट आ रहा है, अभी तक साथ दे रही है लाइट। तो ये कुछ पैसे हैं, इसको रख देते हैं बढ़िया से, जब कमेटी वाले आएंगे उसको दे देंगे। सो फ्रेंड्स ये है कमेटी का कॉपी, जो हम लोग कमेटी जमा करते हैं ना कमेटी, उसकी कॉपी है देखो, उसको रखते हैं इसमें। तो मम्मी मस्त एकदम अपना खाना खा रही है, तो हम देखते हैं क्या, अपना मस्त काम पूरा कर लिया है, अब मोबाइल चलाने लगी, वो अपना वेकेशन हॉलीडे काम पूरा कर रही है। ये अभी तक समाप्त हो गया तेरे होमवर्क, फिर अपना वैकेशन का काम कर लिया इसने, कर रही है। तेरा मेरा भी हो गया ना, तो हम लोग सोच रहे थे कहीं जाएं घूमने के लिए, इनका होमवर्क भी पूरा हो गया है, मानवी का कुमकुम का, तो चलेंगे कहीं घूमने के लिए भी, गुड़ोर भोज या रामनगर जाएंगे, हमारे पास में ही है तो चलेंगे। ठीक है, देखते हैं डेट कब निकलेगा, वो जीजा बताएंगे। दीदी कह रही है जीजा ने 1000 रुपये दिया है, वो 1000 रुपये में जाएंगे रामनगर घूमने के लिए। कहाँ जाए घूमने के लिए, बोलो भोज रामनगर, कौन कौन जाएंगे, मैं कुमकुम तुम मानवी हम मम्मी जाएंगे रामनगर कल। ठीक है कल, हाँ बस पकड़ेंगे निकल लेंगे रामनगर जाएगी। देखो मोबाइल चला रही है कैसे, ये देखो क्या देखिए क्राफ्ट 5 क्राफ्ट देख रही है, तो इसको तो दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता, काम पूरा करेगी मोबाइल में लगी रहेगी। यहाँ भी पंखा चल रहा है बड़ा वाला, और ये खिड़की खुला हुआ है ना, यहाँ से ठंडा ठंडा हवा आ रहा है ना, और ये और हवा को प्रेशर में बदल दे रहा है, बढ़िया ठंडा हवा कर दे रहा है, तो इसके नीचे थोड़ा बैठते हैं। गाइस मस्त, मैं यहाँ पर थोड़ा सा लेट गया हूँ और पंखा चल रहा है, हवा भी आ रहा है ठंडा ठंडा, तो इसके नीचे थोड़ा सा लेट के रिलैक्स फील करते हैं। बस देखिए ये चोरी चिपके चिपके रस घोल रही है, नींबू का शरबत बना रही है, देखो देखो चिपके से फ्रिज में से पानी निकाला के मैं भाग जाऊंगा मम्मी। देखो बड़ा खट्टा खाती है ये, पता नहीं कितना खट्टा खाती है ये, तो शरबत नहीं पिएगी। देखो केला केला बना के दिए फ्रेंड्स, हम ठंडा ठंडा पानी पी लेते हैं। हाँ ठंडा पानी पीते हैं, पूरा पानी ठंडा है और ये शरबत गल रही है, मैं फ्रिज का पानी ठंडा ठंडा पी लिया।
खट्टा खाने में एक्सपर्ट, देखो कैसे चम्मच से घोल रही है उसको। तो बन गया इसका नींबू शिकंजी है, खट्टा है ठंडा है। तो घर पे मस्त बना हुआ है मैगी और पापा काम से आगे मोटरसाइकिल है, अकेले अकेले खा रही है हमें। बस हमारा मैगी है और ये देखिए कैसे ले रखी है, ऐसा लग रहा हो खाना हो, सारा खा जाएगी सारा। हम तो भी चम्मच से, हम भी चम्मच से खाएंगे, तो खाते हैं इसकी तरह। तो एक जनसंख्या और बढ़ गया है, इसके पास भी हमसे ज़्यादा है, ले लो। छोटा कटोरी, तो इसने और इसने सबसे अधिक ले रखा है मैगी और मैक्रोनी। इसने तो थाली में रखा है, मैंने कम रखा है। तो फ्रेंड्स भाई मैगी बहुत तीखी थी यार, हाँ सर्दी हो गया, सर्दी बहुत तीखा लग रही। सो फ्रेंड्स मैगी जो बनाया था ना बहुत तीखा, पूरा नाक से पानी आने लगा। तो मैगी खा लिया, ये मिर्चा छाट छाट के रूम में फेंक रही है। बताओ किस किस को ये कार्टून अच्छा लगता है कमेंट में बताएं। मासा एंड द बियर, मानवी का तो फेवरेट है ये, है ना मानवी? तो चलिए नहा लेते हैं क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रहा है और लाइट भी नहीं आई है। गाइस मैंने नहा लिया है, अब चलते हैं आटा लाने चक्की पर। गए और हमारी लाल परी आ गई है, पापा 12 बजे ही आ गए थे काम पर, तो चलते हैं आटा आटा लाते हैं। वो देखिए सीढ़ी पे बैठे हुए हैं, ये चक्की पर आटा लेने चलते हैं। तो इनको देखो शाम हो गया है पर सोए हुए हैं, देखो अभी तक मजे इन लोगों को ही है। तो अभी आ गई लाइट और बैठते हैं इसके नीचे, थोड़ा सा हवा खाते हैं। आ गई वो भी 3-4 घंटे बाद। तो है गाइस हमने कुछ बहुत दिन से बर्फ रखा था जमाने के लिए, देखते हैं वो बर्फ जम गया कि नहीं जम गया, फिर उसको निकालेंगे अगर जम गया हो तो। चलो तो चलते हैं निकालते हैं। जम गया है। चल कटोरी लिया क्या, कितना बढ़िया सेप में जमा हुआ है। कटोरी लिया, कटोरी हाँ छिपनी, कटोरा लिया, कटोरी ना बहुत जल्दी निकल जाएगा। ये देखो क्या लाइए, बर्फ पलटने के लिए मांगा कटोरी तो लिया, इतनी सी कटोरी लिया है। ये इसको कहते हैं कटोरी, अब इसको पलट 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 ध्यान से पड़े देखते हैं। ये देखिए ऊपर भी लेयर जम गई बर्फ की, जगह नहीं मिली निकलना। कल बड़ी की भाई से भरी आज जम गया, अरे ऐसे ना, ऐसे निकल गई, निकल, अरे एक निकल गई, ऐसे हिला के हिला ले पानी डाल। तो इसमें डालते हैं नया पानी, ठीक है फ्रिज में डाल देते हैं। इसका क्या करें, तो हम लोग दोबारा जमाने के लिए रख दिया इसको बर्फ को। चलो सो फ्रेंड्स ये देखिए चांद की तरह बन गया है ना, मून नाइट की तरह, देखिए कितना बढ़िया शेप निकला हुआ है ऐसे करके चांद की तरह। दीदी डांट रही है, देखो जो बर्फ जमाने का मेहनत है ना वो दीदी का है, दीदी ने रखा था बर्फ और हम लोगों ने बेकार कर दिया। ये तो दीदी फोड़ रही है बर्फ को, देखो ये इसका छीटा आ रहा है मुंह पे ना, एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है, गलना स्टार्ट हो गया यार। अब ये इंजीनियर आ गए, देखो देखो जान लगा के है इसका, पानी ये पानी फेंकने के लिए, ये देखो पानी फेंक रही है। इस बार इससे ट्राई करेंगे तोड़ेंगे इससे, हाँ दम लगा के हिंसा मर 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 और मर। देखो कैसे तोड़ रहे हैं बर्फ को, बर्फ नहीं टूटेगा पर ये चौकी जरूर टूट जाएगा। ले ले एपे, एपे, एपे। ये तोड़ लिया, ओ पटकी पटकी दो 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 इसको धोते हैं, देखिए पूरा तोड़ दिया, टुकड़ा टुकड़ा हो गया सब।
तो है गाइस ये बर्फ का टुकड़ा बहुत ठंडा लग रहा है, मम्मी को देते हैं, देखते क्या होता है। ठंडा लगा था अगर कहीं बंद में अगर जैसे तुम्हारा है अगर ऐसे में अगर होता ना तो ये तो पता चल रहा है रहना ही मुश्किल हो जाता। हाँ ले आओ इधर ले आओ। ये कुछ बर्फ डाल देते हैं। हम दे देते हैं गांव में। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लो आंटी किसको चाहिए? देर मोदी देर चलिए तुम्हारे बाल को नोट दी आप तो देर मोदी प्रसाद जितना बर्फ था ना दे दिया क्योंकि बहुत इसे जम रहा था। हमने सोचा नया पानी डालते हैं जमा लेते हैं और कुछ बर्फ हमने खुद रख लिया है हाथ सेकाई के लिए। बहुत गर्मी है ना उसको लगा मुंह पे पूरा ठंडा ठंडा। ये देखिए एक मणि की तरह चमक रहा है। सो है गाइस अभी रात हो गया है और मम्मी मालिश कर रही हैं। तेल चंपी हो रहा है सर का और बहुत दिन से भी चंपी नहीं हुआ ना सर का तो बहुत दर्द हो रहा था तो मालिश हो रहा है। तो मिलते हैं कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बाय बाय।